हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से हैं तो आपने अप्लाई किया होगा अभी रिसेंटली BSF SI के अंदर जो पोस्ट निकली थी उसके अंदर। तो उसके अंदर अभी बहुत सारों के उसमें क्वेरी आई थी, तो बहुत सारों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आपका फॉर्म फाइनली अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे, वरना इसमें आप देख के मैं बता देता हूँ आज। एक मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज। तो स्टेप बाय स्टेप अपन चेक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन आपको क्या करना है, एक सिंपल सा क्रोम खोल देना है। क्रोम्स आप देख रहे हो, क्रोम खोलने के बाद में फिर आपको इसको डेस्कटॉप जो है उसके डेस्कटॉप साइड के आपको इसको कर देना ओके, डेस्कटॉप मोड पे। फिर इसमें आपको सर्च करना है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, मैंने सर्च कर रखा है पहले से। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे BSF.government.in, यहाँ पे ये ऐसा साइट आपको सर्च करनी है। नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आप तो आप डायरेक्ट साइट के अंदर चले जाओगे। साइट के अंदर चले जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऑफिशियल BSF की साइट दिखेगी। इसके बाद में आप यहाँ पे जाके इसमें गैलरी जो है इसमें नहीं जाना, गैलरी के नीचे भर्ती जो लिखा हुआ आ रहा है इस भर्ती पे आपको क्लिक करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। इस भर्ती पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही मैंने भर्ती पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ रहा, भर्ती ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है। भर्ती ओपनिंग के बाद में आपको डायरेक्ट ये लॉगिन पे लेके जाएगा पेज। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे ये लॉगिन वाला पेज खुला हुआ है, लॉगिन वाला पेज मैंने डायरेक्ट खुला हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट पहले लॉग आउट करके वापस लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे कैंडिडेट लॉगिन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार मुझे कमेंट करके बताता है, मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा। कैंडिडेट लॉगिन में जाना है आपको। कैंडिडेट लॉगिन में जाके यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है आई एम नॉट रोबोट। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको नीचे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस पर। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। यहाँ पे टोटली आपको बता देगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यह है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं अप्रूव्ड हो गया है, यह एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव्ड है। और यहाँ पेमेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड, मगर जो पेमेंट है वो पेड हो चुका है। यहाँ पे फिर आप जाके प्रिंट दे सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं इसका। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।